तो कैसे आप लोग लोग तेरे लिए ही जिया मैं YouTube चैनल आज की इस वीडियो पे करने लें बीटसन के ऊपर फैसे ट्रांस स्टेटस एडिटिंग। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपली अलाइट मशीन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो पे यूज की सो ऑल मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा पासवर्ड की जरूरत पड़ेगा, जो पासवर्ड आपको मैं वीडियो पे बोल के और स्क्रीन पर दिखाने लाऊं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्किप करने से आप लोगों को पासवर्ड समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। चलेगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोगों को अलाइट मशीन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीट मैप बजट एंड शेगे फिट पीसेट इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को पहले सॉन्ग बीट मैप बजट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मैप बजट ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बीट मार्क कर चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद अब आपको प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज मोड पर क्लिक करके फैसी ट्रांस वीडियो ऐड कर लेना है। फैसी ट्रांस वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे ऑल मटेरियल लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपको थ्री डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस फैसी ट्रांस वीडियो को हमारे बीट तक ले जाना है। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये फैसी ट्रांस वीडियो हमारे बीट तक आ चुका है। अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस अब आपको फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज मोड पर क्लिक करके आप किस वीडियो से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस वीडियो को सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपको गाइस थ्री डॉट्स ऑप्शन पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इस मॉडल में इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो मून ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप एडजस्टमेंट वगैरह कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद इस मॉडल में इसको पूरा लास्ट तक ले जाना है, हमारे म्यूजिक तक। अब आपको पूरा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये मॉडल इमेज पूरा लास्ट तक आ जाएगा। इसके बाद में गाइस अब आपको मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद सिग्निफिकेंट पीसेट ओपन कर लेना है। सिग्निफिकेंट पीसेट ओपन करने के बाद गाइस अब आपको इस मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इसके बाद में बैक आना है। बैक आने के बाद सॉन्ग बीटमैप पीसेट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीटमैप पीसेट ओपन करने के बाद अब आपको गाइस फिर से पूरा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद गाइस अब आपको इस मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री डॉट्स ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हो ये मॉडल इमेज पर हमने इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ। अब आपको स्टार्टिंग पर आना है। गाइस इस वीडियो का पासवर्ड है 7354। सो गाइस अब आपको फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो का पासवर्ड है 7354। अब आपको गाइस फिर से प्लस आइकन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज मोड पर क्लिक करके आप लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हो तो लोगो ऐड कर सकते हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। लोगो ऐड करने के बाद अब आपको मोन ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इसका साइज छोटा कर लेना है। साइज छोटा करने के बाद अब आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इस टाइप का भी एडजस्टमेंट कर लेना है। एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इस लोगो को पूरा लास्ट तक ले जाना है, हमारे म्यूजिक तक। अब आपको पूरा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये लोगो पूरा लास्ट तक आ जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो वीडियो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो एक्सपोर्टिंग होने के बाद। गाइस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेना है। फ्रेम रेट आपको फुल रख लेना है। क्वालिटी एकदम हाई रख लेना है। इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। गाइस ये वीडियो एक्सपोर्ट के पूरा रेडी हो चुका है। अब आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे कि चैनल का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस आज की इस वीडियो पे इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।